हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश कंपलसरी ग्रामर पोर्शन आपका चल रहा है, जिसमें कंप्रेहेंशन पैसेज और अनसीन पैसेज आपके चल रहे हैं। अनसीन पैसेज ए पठित गद्यांश। इंग्लिश कंपल्सरी क्लास 12 RBSE और अन्य जो राज्य NCERT सिलेबस जिन्होंने अपना रखा है, उन सभी के लिए क्लास उपयोगी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अनसीन पैसेज ए पठित गद्यांश जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है, ये तो नहीं कह सकते कि आपने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, ऐसा गद्यांश जो आपने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है कि आपने वो पैसेज पढ़ा है और इत्तेफाक से वो आपके एग्जाम में आ गया है, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। प्यारे बच्चों, कंप्रेहेंशन पैसेज और अनसीन पैसेज एक ही बात है। ये आपका 9 अंकों का आएगा, जिसमें 6 प्रश्न आएंगे। यू हैव टू आंसर देम फ्रॉम यूअर पैसेज। यू विल गेट 3 वोकैबुलरीज। 3 आपको शब्दावली मिलेगी, वोकैबुलरी मिलेगी, जिनमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ सकता है। हालांकि सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची और वन वर्ड के चांस होते हैं, क्योंकि एंटोनिम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। आपको कंप्रेहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज कैसे हल करने हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल कैसे करें। तो बच्चों, अपन पहले क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, फिर आंसर यानी क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर देते हैं। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिए गए हैं अनसीन पैसेज के नीचे, उन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए, सरसरी नज़रों से उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर अपना पैसेज पे आइए, गद्यांश पे आइए और पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए। रैपिडली पढ़िए, तेज़ी से पढ़िए, बट बाय कंप्रेहेंडिंग, लेकिन समझते हुए आपको वो पढ़ना है। इसके बाद पुनः क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर आंसर उसमें से तलाश करना है। मैं तरीका आपको बता चुका हूं। आप कुछ बच्चे लाइन टू लाइन उसमें से तलाश करते हैं कि जो लाइन प्रश्न में दी हुई है उस लाइन को सीधा उसमें तलाश कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में जो पंक्ति दी गई है, यदि हम उसको तलाश करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम आंसर लिखते हैं गद्यांश में से, तो हम इतना ही लिख पाते हैं जितना तो प्रश्न में दिया गया है, यानी आंसर को हम छोड़ देते हैं। इस चीज से बचने के लिए मैंने आपको नियम बताए थे कि आप प्रश्न में से कुछ हिस्सा लेकर के, यू हैव टू टेक सम पार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रिपेयर द प्लेटफॉर्म ऑफ योर आंसर। आपको अपने उत्तर का प्लेटफॉर्म, उत्तर का आधार तैयार करना है। आप प्रश्न में से कुछ हिस्सा लीजिए, WH वर्ड्स को हटा दीजिए, सायक्रिया डूडस डिडाती इनको हटा देते हैं, अन्य कोई सायक्रिया को नहीं हटाते हैं। यदि सायक्रिया डज है तो MB फर्स्ट दी गई है क्वेश्चन में, उसके पीछे ES लगा देते हैं आंसर में। और यदि फर्स्ट फॉर्म डिड फर्स्ट दिया गया है तो आपको क्या करना है, उस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, थोड़ा सा बात और। एक
गद्यांश मैं आपको करवा चुका हूं। ये बात और है कि गद्य भाग को ही हम पैसेज कहते हैं, यदि पद्य भाग होता उसको हम कहते हैं पद्यांश। इन इंग्लिश वी कॉल इट पैराफ्रेज, और अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, पैराफ्रेज कहते हैं, पद्यांश कहते हैं। हालांकि अनसीन पैसेज अपठित गद्यांश आपको आएगा, लेकिन बच्चों आपको दो पद्यांश भी आएंगे। उन चीजों को मैं तब बताऊंगा जब आपको बुक करवाऊंगा, किताब करवाऊंगा। किताब में आपकी पोएट्री के 6 पाठ दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि पैराफ्रेज पद्यांश आएगा, वो आपका अपठित नहीं आएगा, वो पठित आएगा। यू विल गेट दीज पैराफ्रेज फ्रॉम यूअर टेक्स्ट बुक, फ्रॉम यूअर पोएट्री सेक्शन। तुम्हारी काव्य के 6 पाठ हैं, उनमें से आपको 2 पैराफ्रेज 2 पद्यांश आएंगे, जिनके नीचे 2 प्रश्न भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 प्रश्न। अब मैं 2 या 3 इसलिए कह रहा हूं बच्चों, पहले पैटर्न ऐसा था, 3 क्वेश्चन आते थे एनसीईआरटी जब राजस्थान में था, लेकिन जो ही एसआईईआरटी राजस्थान का सिलेबस आया, पैटर्न तो वही रखा, लेकिन पैराफ्रेज के नीचे क्वेश्चन केवल 2 ही आने लग गए थे, 2-2 अंकों के। अभी 3 क्वेश्चन आएंगे, तो पहला क्वेश्चन 2 अंकों का, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन 1-1 अंक का आएगा। उसमें भी आपको स्पेलिंग पूछी जाएगी, मीनिंग पूछी जाएगी, पद्यांश में से छांट करके लिखना है, ठीक है बच्चों। एक पैरा पैसेज में आपको लिखवा चुका हूं, दूसरे पैसेज की ओर बढ़ते हैं। अनसीन पैसेज नंबर 2, पद्यांश नंबर 2, सॉरी गद्यांश, सॉरी पैराफ्रेज मान होता पद्यांश, पैसेज मीन्स गद्यांश, गद्य भाग का अंश। वैसे बच्चों पैसेज को अपनी इंग्लिश में पैसेज माने आंगन भी होता है, आंगन कोर्ट, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं, ठीक है। लिखना प्रारंभ करते हैं, आप इसको कॉपी करते चलिए। पैसेज में आपको ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, बस 2-3 पैसेज ही करवाऊंगा, क्योंकि फिर प्रैक्टिस आपको करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में बाद में प्रैक्टिस होगी इनकी। ये गद्यांश अपठित कितने भी करवाते चलिए, इनमें से आने वाला नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस अवश्य हो जाती है, उसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग Which a scholar, बच्चों आपका नया पाठ्यक्रम है, ये जो पैराफ्रेज दिया गया पुराने पाठ्यक्रम में से किसी किताब में से एक जो पाठ है उसका एक गद्य भाग का छोटा सा अंश है। इस गद्य भाग का जो यानी कि पैराग्राफ था, ये जो मैं लिखा रहा हूं, इससे नीचे वाला एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो चिंता मत कीजिए। कोशिश तो ये करेंगे कि पैसेज आपको जो करवाएंगे विशेषकर प्रैक्टिस में, उन्हीं में से आपको एग्जाम में आए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम ही अनसीन है, अपठित है। विच ए स्कॉलर, स्पेलिंग सही थी बच्चों, वो थोड़ा लाइन टेढ़ी जा रही थी, इस वजह से मैंने ऐसा लिख दिया दोबारा। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, बियर इन इनदर लिख देते हैं, इज दैट ए बुक ought not to be read for mere amusement।
द फर्स्ट थिंग, पहली चीज, पहली बात, विच जो ए स्कॉलर किसी पाठक को, किसी विद्वान को शुड बियर इन माइंड, शुड बियर माने धारण करनी चाहिए, इन माइंड माने किस में, मस्तिष्क में धारण करनी चाहिए, इज दैट वह है कि, इज है दैट कि, ए बुक एक पुस्तक, ऑट नॉट टू बी रेड, नहीं पढ़ी जानी चाहिए, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल और केवल मनोरंजन के लिए। बच्चों एक शब्द दिया गया है अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। दूसरा इसका स्पेलिंग होता है एंटरटेनमेंट, उसका मतलब भी क्या होता है मनोरंजन। अब बात करते हैं, एक स्पेलिंग और दी हुई है मेयर। आपने कक्षा आठ में, नाइन्थ और टेंथ के बाद इनको नहीं पढ़ाते, कक्षा आठ में, कक्षा सात में, कक्षा छः में ये पढ़े होंगे, एम ई आर ई के स्थान पर एक शब्द पढ़ा होगा एम ए आर ई, मेयर। मेयर मीन्स होता है हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर है, हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा और मेयर मीन्स होता है घोड़ी, जबकि एम ई आर ई मेयर मन होता है मात्र या केवल, मात्र या केवल। यह आपने पढ़ा होगा, जेंडर पढ़े होंगे तब। एक ऐसे जेंडर होते हैं जो मैस्कुलाइन यानी पुरुष को दर्शाते हैं, एक फेमिनाइन होते हैं, एक होते हैं कॉमन जेंडर जो दोनों को दर्शाते हैं, जैसे कि टीचर, इनको तो आप जानते हो, फादर मैस्कुलाइन, मदर फेमिनाइन। लेकिन बात करते हैं टीचर, अध्यापक और अध्यापिका दोनों ही हो सकता है, वो कॉमन जेंडर में आता है। बच्चों मैं जो बता रहा हूँ ये आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगी, जब कभी भी आप कंपटीशन दोगे तो उसमें इंग्लिश काम आएगी, ऐसा मत सोचो इंग्लिश काम नहीं आएगी, बहुत ही टॉप मोस्ट एग्जाम में इंग्लिश काम आती है। आप आईएएस का एग्जाम देते हो तो भी इंग्लिश आता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, चाहे आप साइंस ले रखी है, कॉमर्स लेकर, आर्ट्स ले रखी है। यदि आप आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते हो, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते हो तो ये काम में आती है, अन्य राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में ये काम में आती है। इसके अलावा क्लैरिकल पोस्ट के लिए, आप क्लैरिकल जॉब देख रहे हो, क्लर्क का पोस्ट देख रहे हो, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में देख रहे हो, चाहे आप जुडिशियल डिपार्टमेंट में देख रहे हो, वह इंग्लिश काम आएगी। इसके अलावा एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी एग्जाम, एसएससी एक संस्था है वो एग्जाम लेती है, स्टाफ सिलेक्शन आयोग यानी कि कमीशन, ठीक है, तो वो एसएससी होता है। तो इसमें एक जो आईएएस वगैरह होते हैं उनको यूपीएससी लेता है, ठीक है। तो मेयर का मतलब क्या होता है, मात्र या केवल। इंग्लिश आपको सब जगह काम आएगी, पर्यायवाची शब्दों को सीखने की कोशिश कीजिए। अम्यूजमेंट माने केवल मनोरंजन के लिए, हाफ एजुकेटेड पर्संस रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। अर्धशिक्षित व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, बिकॉज ये फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपको। अर्धशिक्षित व्यक्ति का मतलब होता बच्चों ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है लेकिन पूरी नहीं, दसवीं बारहवीं लगभग, आठवीं सातवीं, ये मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। मान लो किसी ने आठवीं तक दसवीं तक पढ़ाई की है, अब वो और कोई काम कर रहा है, वो किसी पुस्तक को पढ़ेगा, किसी कहानी की पुस्तक को पढ़ेगा, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, ही विल नॉट स्टडी, ही विल नॉट रीड एनी बुक फॉर और टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ेगा। बिकॉज क्योंकि
क्योंकि दे आर इनकैपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज that belong to really a great literature. साथ साथ ही बच्चों कॉपी करते चलिए, हाफ फुल स्टॉप अर्धविराम लगाइए. दे आर नॉट ब्लेम्ड फॉर इट, और उन्हें उसके लिए दोष नहीं दिया जाता है. कॉपी कीजिए बच्चों. ये कह रहा है हाफ एजुकेटेड पर्संस, अर्ध शिक्षित व्यक्ति रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं. बिकॉज, क्योंकि दे आर इनकैपेबल, वो असमर्थ होते हैं ऑफ एप्रिशिएटिंग, समझने में, प्रशंसा करने में द डीपर क्वालिटीज, गहरे गुणों को, दैट बिलोंग, जो संबंध रखते हैं टू रियली ए ग्रेट लिटरेचर, वास्तव में महान साहित्य से. दे आर नॉट ब्लेम्ड फॉर इट, और उन्हें इसके लिए दोष नहीं दिया था. ब्लेम का मतलब होता है दोष देना. उन्हें दोष नहीं दिया जाता है. क्यों नहीं दिया जाता उन्हें दोष? क्योंकि वो गहरे साहित्य के गुणों से संबंध नहीं रखते, उनको समझने की चेष्टा नहीं करते, समझते नहीं. ये कारण है बच्चों. ये पैसेज आपका 450 से 550 वर्ड लिमिट शब्द सीमा तक आएगा. ठीक है, मैं इतना नहीं लिखूंगा, यहां इतना लिखूंगा तो चार बार बोर्ड भर जाएगा और आपका पन्ना भरेगा वैसे, है ना. वो कम से कम 2 दिन में, 2 घंटे की क्लास में तो पैसेज ही पैसेज लिखेगा पूरा. दूसरी बात, मैं आपको इतना लिख दूंगा जितना आपके 4-5 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे. आगे चलते हैं. The habit of discipline अनुशासन की आदत, not to read for mere amusement should be cultivated ढाली जानी चाहिए. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग. मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ भाई, आप फिर ये कहते हो कि साहब धीमे लिखो. भाई अपने पास टाइम नहीं है इतना. विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण के बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसी आदत, अनुशासन की आदत. किसके अनुशासन की आदत? कि हम किसी भी पुस्तक को मनोरंजन के लिए ना पढ़ें. Not to read for mere amusement, या not to read a book for mere amusement. हम किसी पुस्तक को केवल और केवल मनोरंजन के लिए ना पढ़ें. We should not study any book for mere amusement. यहाँ जो बात की जा रही है, लेखक बात कर, बच्चों बहुत ही, पिछला जो मैंने पैसे लिखाया था आपको बड़ा सरल सा प्रतीत हुआ होगा.
सरल तो ये भी है, इसमें कोई खास टफ स्पेलिंग नहीं है, लेकिन ये हिंदी में ही समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है। इसी तरह के पैसे जाते हैं क्लास ट्वेल्थ में। दूसरी बात करते हैं कि यहां बात की जा रही है अनुशासन की आदत। केवल बात कर रहा है लेखक लिटरेचर की। आप मैथ पढ़ रहे हो तो बात नहीं कर रहा है लेखक, यहां इतिहास पढ़ रहे हो तो लेखक बात नहीं कर रहा है, आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो लेखक बात नहीं कर रहा, लेखक बात कर रहा है कि लिटरेचर की, साहित्य की। क्यों साहित्य की क्यों बात कर रहा है? क्योंकि बच्चों कोई भी व्यक्ति यदि साहित्य को पढ़ता है तो वो मनोरंजन के लिए पढ़ता है। बहुत ही कम लोग हैं जो साहित्य को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। आप ही देख लो, हम ही देख लेते हैं, हमारे और आपके पास यदि कोई बुक आती है, कोई किताब आती है, कहानी की किताब होती है, तो हम उसको पढ़ेंगे केवल और केवल मनोरंजन के लिए। हम उसको आनंद के लिए पढ़ेंगे, हमारा समय पास हो रहा है, हम समय पास करने के लिए, किल टाइम टू किल टाइम, समय पास करने के लिए हम पढ़ते हैं। जबकि हम किसी मैथ की किताब को समय पास करने के लिए नहीं पढ़ते। मैथ की किताब समय पास करने के लिए नहीं पढ़ी जाती है, उसमें तो निश्चित रूप से आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति गणित की किताब को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है ना? तो ये कह रहा है द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की आदत, नॉट टू रीड, ना पढ़ें, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए ना पढ़ें, ऐसी आदत शुड बी कल्टिवेटेड, ढाली जानी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से ही, ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, माने विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण से, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से, यूनिवर्सिटी कोर्स, ये भी आप लिख सकते हो, ट्रेनिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग रीड ए बुक, किसी पुस्तक को पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। दे रीड ए बुक टू किल टाइम, वो किसी पुस्तक को समय पास करने के लिए पढ़ते हैं। इफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन नॉट टू रीड ए बुक फॉर मेयर अम्यूजमेंट इज कल्टिवेटेड, ही और सी विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड ए बुक फॉर मेयर अम्यूजमेंट। He will throw down any book. He will throw down any book from which he cannot get
इंटेलेक्चुअल फूड, ऐसी किसी पुस्तक को वो फेंक देगा जिससे वह बौद्धिक भोजन नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्धविराम लगाइए। ए बुक विच कैन नॉट अपील हिज हायर इमोशंस, ऐसी पुस्तक जो उसकी उच्च भावनाओं को अपील नहीं कर पाती है, आकर्षित नहीं कर पाती है। यहां तक तो बच्चों मैंने बताया ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग तक तो वेरी फ्यू पर्संस या पीपल, बहुत ही कम लोग, थोड़े से, फ्यू नाम मात्र के, ना के बराबर, और ए फ्यू कुछ थोड़े से, द फ्यू जो कुछ, जिनके बारे में बात की जा रही है। क्लास इलेवेंथ में आपका टॉपिक था डिटरमाइनर्स, ये टॉपिक अलग से नहीं था, ये टॉपिक अलग से नहीं था, लेकिन आपका एक टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये आपने पढ़े होंगे। उन्हीं में से आपने एडजेक्टिव पढ़े होंगे, डिटरमाइनर्स पढ़े होंगे, वो यही हैं। एक दिन और बताए थे मैंने आपको ए, एन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, एल्टिल, दी, एल्टिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये आपने पढ़े होंगे। लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल का प्रयोग करते हैं ऐसी संज्ञा से पहले जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते। पानी है, धन है ना, पानी को अपन लिटिल के रूप में प्रयोग में लेंगे, ए लिटिल के रूप में लेंगे, दी लिटिल के रूप में लेंगे, दूध का भी यही है, पेट्रोल का भी यही है, धन का भी यही है, जिसको गिन नहीं सकते। और गिन सकते हैं तो फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू का प्रयोग करते हैं। एक दिन इसका मैंने उदाहरण आपको समझा दिया था, किसी वीडियो में देख लेना। बहुत ही कम लोग रीड पढ़ते हैं ए बुक, एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। दे रीड, वो पढ़ते हैं ए बुक, एक पुस्तक को, टू किल टाइम, क्यों, समय गुजारने के लिए। बच्चों ये फ्रेज दिया हुआ है किल टाइम, तो किल टाइम का मतलब समय को मारना नहीं, टू पास द टाइम, समय गुजारना, समय निकालना, किल टाइम है, या लेखक ने किल का प्रयोग किया है। इफ द हैबिट, यदि आदत, ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की, नॉट टू रीड, ना पढ़े ए बुक, एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। एक पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए ना पढ़े, ऐसी अनुशासन की आदत इज कल्टिवेटेड, डाल दी जाए या डल जाए, ही और सी, तो वह विल फाइंड, पाएगा इट इम्पॉसिबल, इसे असंभव, टू रीड की पढ़ ले ए बुक, एक पुस्तक को, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। बच्चों यदि किसी व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में ऐसी अनुशासन की आदत ढल जाए कि वो किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए ना पढ़े, तो निश्चित रूप से वह जीवन में कभी किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेगा। लेकिन यह आदत, ऊपर वाली पंक्ति में दिया गया है, यह आदत यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण के दौरान ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल शुरुआत में। एक बार आदत पड़ गई ना कि हम तो मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे, तो फिर वो ऐसा ही करेगा। और वैसी आदत पड़ गई मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ेगा, तो फिर भविष्य में वो ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे कि आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 9th क्लास में जब आपने प्रवेश लिया था तब से लेकर के, और जब आप 12वीं पास हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आओगे, फर्स्ट ईयर में आओगे, या ग्रेजुएशन करोगे, तब तक
यदि आपके अंदर अच्छी आदतें आपने डेवलप कर ली हैं, कल्टीवेट कर ली हैं, तो वो आदतें आपके जीवन भर काम आएंगी और फिर आप में कोई गलत आदत नहीं आ सकती है। इस दौरान यदि आपने वो आदत ग्रहण कर ली तो उसको आप नहीं छोड़ सकते, चाहे वो अच्छी है तो अच्छी को नहीं छोड़ोगे, बुरी है तो बुरी को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि बच्चों ये टीनेज होती है, क्या होती है? टीनेज। टीनेज का मतलब होता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, इसमें जैसा हम आदत डाल लेते हैं, 13 से 19 वर्ष तक की आयु होती है। 12 को कहते हैं 12, लेकिन 13 को कहते हैं 13, मतलब पीछे टीन आया हुआ है। 14 को बोलते हैं 14, इसी प्रकार 15 को 15, 16, 17, 18 और 19, मतलब टीन आया हुआ है। 13 से 19 वर्ष तक की उम्र है, इसमें यदि आप जैसी आदत डालोगे वैसी पड़ जाएगी। अब आप मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत डालोगे तो वो पड़ जाएगी, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए डालोगे तो वो पड़ जाएगी, आप अच्छी आदत डालोगे तो वो पड़ जाएगी, आप बुरी आदत यदि लगाओगे, बुरे बच्चों के संपर्क में रहोगे, गंदे बच्चों संपर्क में रहोगे तो वैसी आदत पड़ जाएगी। तो इस उम्र में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था टीनेजर का मतलब किशोर होता है, टीनेज यानी किशोर अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था है। इसमें बच्चे के दिमाग में बहुत सारे तूफान झंझावत विचार उठते हैं, और ये जो अवस्था होती है ये हीरो वर्शिप की होती है। हीरो वर्शिप का मतलब होता है नायकों की पूजा। इसमें जो बच्चे होते हैं वो नायकों की पूजा करते हैं। नायक का मतलब, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि मेरा नायक, मेरा हीरो कोई योद्धा है, कोई क्रिकेटर को बनाता है, कोई किसी पॉलिटिकल लीडर को बनाता है, तो इस नायक पूजा का समय है ये। चलो मैं ज़्यादा समय इस पर खर्च नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको समय समय पर ऐसी चीज़ें बताना अति आवश्यक है ना। पढ़ाना ही नहीं है, टीचर का मतलब यही होता है। आगे आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तब आपको इस तरह नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ तक पहुँच गए, एक बार यदि आदत डल जाए तो वह ऐसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ना असंभव पाएगा। ही थ्रो डाउन, या एक शब्द और लगा लीजिए, विल, ही विल थ्रो डाउन, ध्यान दीजिए इस पर, ही विल थ्रो डाउन, वह फेंक देगा एनी बुक, ऐसी किसी पुस्तक को, फ्रॉम विच, जिससे ही कैन नॉट गेट, वह प्राप्त नहीं कर सकता है, इंटेलेक्चुअल फूड माने बौद्धिक भोजन। या बच्चों ही का मतलब ही और सी दोनों ही समझना है आपको, क्योंकि मैंने ही और सी यहां लिख दिया है, ही और सी, तो मतलब भविष्य में भी ये ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए भी है, मतलब एक व्यक्ति के लिए है, और व्यक्ति में दोनों ही आते हैं। वह ऐसी किसी पुस्तक को फेंक देगा जिससे वह बौद्धिक भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। भोजन एक तो वो होता है जो हमारी पेट की भूख को शांत करता है, और एक भोजन पेट की भूख को शांत करने वाला भोजन, और एक भोजन वो होता है जो हमारी बौद्धिक भूख को शांत करता है, हमारे मस्तिष्क की भूख को शांत करता है। आप बच्चे हैं, आपको यहाँ मैं नई नई चीज़ें बताऊंगा और टीचर्स नई चीज़ें बताएंगे, तो आपकी बौद्धिक क्षुधा यानी कि बौद्धिक भूख है वो शांत होगी, और नहीं बताएंगे तो आप भूखे ही रह जाओगे, और फिर आप यहाँ भोजन करने नहीं आओगे। मैं आपको चौथी तीसरी क्लास की बातें बताता चलूँ, यहाँ चौथी तीसरी क्लास में पढ़ा था एक, उसमें नानी आई पपीता लाई, अब बताइए आप इसको बोलता चलूँ मैं आपको। बारहवीं क्लास में भी आप यही पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि इससे आपकी बौद्धिक भूख शांत नहीं हो रही है। बार बार वही चीजें हम परोसते जा रहे हैं, एक ही चीज परोसते जा रहे हैं, तो आप भूखे रह जाओगे, क्योंकि आप उस चीज से ऊब जाओगे, आपकी बौद्धिक भूख के लिए भोजन नहीं मिलेगा। और जो बौद्धिक भूख को शांत करता है वो क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल फूड कहलाता है, बौद्धिक भोजन कहलाता है। ए बुक, एक पुस्तक, विच कैन नॉट अपील, जो आकर्षित नहीं कर सकती है हिज हायर इमोशंस, उसकी उच्च भावनाओं को, तो वह ऐसी पुस्तक को फेंक देगा। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हजारों और हजारों,
हजारों और हजारों लोग, बच्चों में इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, एवरी ईयर, बट दे डू नॉट नो, बट लेकिन दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते हैं दैट की रीडिंग फॉर, रीडिंग ए बुक फॉर, ऐसा लिख लीजिए, हालांकि पढ़ना है तो पुस्तक ही है, रीडिंग ए बुक फॉर मेयर अम्यूजमेंट इज लाइक ए नारकोटिक, नजर आ रहा है बच्चों, नारकोटिक, हाफ फुल स्टॉप अर्धविराम लगाइए, इज लाइक ए नारकोटिक, इट इज लाइक वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग, बस इसमें से क्वेश्चन अपन बना देंगे, कॉपी कीजिए इसको, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको, क्वेश्चन तैयार करता हूं, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, देखो बच्चों ये लास्ट में मैंने लिखाया है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों और हजारों लोग रीड पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए या मात्र मनोरंजन के लिए, एवरी ईयर, प्रतिवर्ष पढ़ते हैं, बट लेकिन दे डू नॉट नो, आप चाहो तो बट को आप इसी सेंटेंस में भी जोड़ सकते हो, फुल स्टॉप को हटा देना और बट का बी है, इसको कैपिटल के बजाय आप क्या बना दोगे, स्मॉल, बट लेकिन दे डू नॉट नो, वो नहीं जानते दैट की रीडिंग ए बुक, एक पुस्तक को पढ़ना फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए, इज लाइक ए नारकोटिक, एक नशे की तरह है। नारकोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, नशा, नारकोटिक माने नशा, ये जो चीजें आपने हेरोइन, गांजा, अफीम, ये ओपियम लिखा हुआ है, अफीम, वाइन, शराब, ये सारी चीजें क्या हैं, नारकोटिक है, नशा है, ठीक है, और इनकी रोकथाम के लिए एक एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट होता है, यदि किसी को ये चीजें ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका मुकदमा नारकोटिक डिपार्टमेंट में चलता है, आप उसमें जा सकते हो। मैंने एक दिन बता दिया था यूथ एंड ड्रग्स, युवा नशीले पदार्थ, उसमें लिखाया था आपको, तब मैंने बताया था एसएससी सीजीएल के माध्यम से, विशेषकर मैथ्स वाले बच्चों से कह रहा हूं, क्योंकि उसमें मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता, आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी, डिपार्टमेंट में आपको नारकोटिक डिपार्टमेंट मिल सकता है, सीबीआई मिल सकता है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो मिल सकता है, कस्टम मिल सकता है, ठीक है, इनकम टैक्स मिल सकता है, और डायरेक्ट इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, और आप आर्मी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनडीए वगैरह, ठीक है, और एक और लगता है एनडीए में, तो मेजर पोस्ट मिलती है, लेफ्टिनेंट जिसको कहते हैं, जो 12वीं पास के बाद आप जा सकते हो, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तब लगता है एग्जाम सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उसमें आपको कर्नल पोस्ट मिलेगी सीधे ही, और फिर प्रमोशन के द्वारा आप जनरल पोस्ट तक पहुंच सकते हो, यह आपकी काबिलियत के ऊपर है।
तो नारकोटिक का मतलब होता है बच्चों नशा। इट इज लाइक वाइन ड्रिंकिंग, और यह किसके समान है? शराब पीने के समान। किसी पुस्तक को मनोरंजन के लिए पढ़ना शराब पीने के समान है, और ओपियम स्मोकिंग या अफीम पीने के समान। ओपियम, अफीम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ओपियम। मैं मिटा रहा हूं इसको क्योंकि अपन को क्वेश्चन भी तो लिखने हैं। हिंदी अर्थ मैंने साथ साथ करवा दिया है, पुनः हिंदी अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड ए स्कॉलर बियर इन माइंड, व्हाट शुड ए स्कॉलर बियर इन माइंड, किसी विद्वान किसी पाठक को अपने मस्तिष्क में क्या धारण करना चाहिए, क्या रखना चाहिए? बियर का मतलब धारण करना, सहन करना, बियर में भालू भी होता है, डी लगा देते हैं तो बियर्ड बन जाता है, बियर्ड मन दाढ़ी भी होती है। चीजों को आप कनेक्ट कीजिए, डी लगा दिया तो बियर्ड मन दाढ़ी, बियर मन भालू, बियर मन सहन करना, बियर मन धारण करना। अब इसमें क्वेश्चन, इसमें पैसेज में लिखा हुआ फर्स्ट थिंग, तो आप लाइन से लाइन यदि तलाश करोगे तो आप पूरा का पूरा उतार दोगे। द फर्स्ट थिंग ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, ऐसा लिख दोगे। लेकिन अपन क्या करेंगे, व्हाट को हटा देंगे, कर्ता कौन है? ए स्कॉलर, एस सी एच ओ एल आर, स्कॉलर। सहायक क्रिया को लिखिए, कर्ता को पहले लिखिए फिर सहायक क्रिया को लिखिए। साधारण वाक्यों में कर्ता फिर क्रिया आती है, जबकि डब्ल्यू एच सेंटेंस में क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच आता है इंटरगेटिव में, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता आता है। तो अपन कर्ता को लेंगे, फिर सहायक क्रिया ने मॉडल लिखा हुआ है शुड, ये लिखेंगे। कोई भी सहायक क्रिया दी हुई उसको लिख देंगे, लेकिन डू डज डिड को अपन नहीं लिखेंगे। डू डज डिड नॉट आता है तो उत्तर में लिख देंगे, लेकिन प्रश्न में डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में आती हैं और इसके साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आते हैं, डू डज डिड को हम सहायक क्रिया के रूप में उत्तर में नहीं लिखेंगे। स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, बियर इन माइंड। अब बच्चों देखिए आप आगे क्या लिखा हुआ है अपने पैसेज में। अब आपको ये ऊपर वाला लाइन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, ये नहीं तलाश करना, उत्तर लिखा हुआ है इसको देखिए, उत्तर के प्लेटफॉर्म को। ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड क्या लिखा हुआ है देखिए गद्यांश में, इज दैट। अब इसमें अपनी पंक्ति में एक शब्द रह गया फर्स्ट थिंग, अब चाहो तो लिखो, अंत बिल्कुल मत लिखो, यदि नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहां फर्स्ट थिंग का अपन को यह पूछा ही नहीं गया है, तो हम फालतू के शब्दों को क्यों लिखें। शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक ऑट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। ये चीज हमको धारण करनी चाहिए, समझनी चाहिए किसी पाठक को, कोई पुस्तक है वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हु रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। बच्चों क्वेश्चन को देख लिया करो, प्रश्न में डब्ल्यू एच शब्द कौन सा आया हुआ है, हु, डब्ल्यू एच ओ, हु माने होता है कौन। मैंने आपको जब नियम लिखाया था बताया था डब्ल्यू एच ओ हु माने कौन, यह है किसी कर्ता को पूछता है और कर्ता सब्जेक्ट प्राय कोई व्यक्ति होता है, तो आप हु को हटा देंगे। इसी स्थान पर डब्ल्यू एच ओ हु को हटा दीजिए और बाकी का लिखिए,
क्या लिखोगे? कौन पढ़ता है? हाफ एजुकेटेड पर्संस, यही तो है, हाफ एजुकेटेड पर्संस। अब इसमें आप कह रहे हो साहब हम इस क्वेश्चन में से प्लेटफॉर्म निकालते हैं, तो बच्चों जो हु से प्रारंभ है उसमें से आप प्लेटफॉर्म निकालने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि कर्ता है ही नहीं, प्लेटफॉर्म कहां से बना हो गया? प्लेटफॉर्म कब बनता है? जब आपका कर्ता दिया गया है। लेकिन कर्ता दिया हुआ है ही नहीं, कर्ता तो पूछा है, तो प्लेटफॉर्म कैसे बनेगा? और यदि हम कर्ता से प्लेटफॉर्म को बनाते हैं तो उत्तर ही आ जाएगा, फिर ये प्लेटफॉर्म नहीं कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। हाफ एजुकेटेड पर्संस रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। बहुत बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, मैंने कमेंट में भी देखा था कि आप जवाब भी देते हो, पिछला जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका भी जवाब दिया था बच्चों ने, मैंने जो वोकैबुलरी पूछी थी उसका भी आपने जवाब दिया था। बिल्कुल बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, केवल अपने लिए, अपने लिए स्वार्थी बनिए, अपने लिए हार्ड वर्किंग में स्वार्थी बनिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू हाफ एजुकेटेड पर्संस रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट? अर्धशिक्षित व्यक्ति क्यों केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं भाई? अब प्रश्न में आपका आ गया वाई, वाई मान क्या होता है? क्यों? तो इसका मतलब इसने कोई ना कोई क्या पूछा है, कारण पूछा है। मैं इसको मिटा देता हूं पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, वाई कारण को लिखिए, कारण क्या है वो लिटरेचर से संबंधित गहरे गुणों को समझने में, जानने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। आंसर लिखिए, वाई को हटाइए, हेल्पिंग वर्ब डू को भी हटाते हैं, कर्ता दिया गया है हाफ एजुकेटेड पर्संस रीड पढ़ते हैं फॉर मेयर अम्यूजमेंट बिकॉज, वाई से प्रारंभ होता है बिकॉज, एज, फॉर, सेंस से जोड़ते हैं और आपके गद्यांश में भी जुड़ा हुआ है बिकॉज, क्योंकि दे आर इनकैपेबल of appreciating the deeper qualities that belong to really a great literature. जो वास्तव में महान साहित्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, वाई विल ए डिसिप्लिन स्कॉलर, एक अनुशासित पाठक, वाई मन क्यों विल थ्रो डाउन, फेंक देगा ए बुक, एक पुस्तक को क्यों फेंक देगा, या सच एक बुक ऐसी किसी पुस्तक को क्यों फेंक देगा? इसलिए फेंक देगा
ए डिसिप्लिन्ड स्कॉलर विल थ्रो डाउन ए बुक बिकॉज ही विल नॉट गेट इंटेलेक्चुअल फूड फ्रॉम इट, क्योंकि वह इस पुस्तक से बौद्धिक भोजन नहीं प्राप्त कर पाएगा, इस वजह से उसको फेंक देगा। अब प्रश्न आता है, तो जैसे क्वेश्चन आता है आपको, किस प्रकार की बुक एक पाठक के द्वारा फेंक दी जाएगी, तो इस प्रकार की बुक ऐसी पुस्तक फ्रॉम विच जिससे ही कैन नॉट गेट इंटेलेक्चुअल फूड, वह बौद्धिक भोजन नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसी पुस्तक को फेंक दे, एक ही बात है। वाई से पूछा है तो कारण लिखना पड़ेगा, और कारण में थोड़ा सा बिकॉज कपट डाल देते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है, और आप सीधा सीधा उतारते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर आपके अधिक आते हैं तब एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है कि बच्चे ने सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन यहाँ अनसीन पैसेज में ये इस तरीके से छोटे बच्चों की तरह क्यों कर रहा है, ये है। चलिए आपके क्वेश्चन के चार हो गए, पांचवा क्वेश्चन, पांच ही क्वेश्चन बन पाएंगे, यूँ तो और भी छह क्वेश्चन बन जाएंगे, सात बना लो, फिर आपको वही पंक्तियाँ बार बार रिपीट होती हैं तो अच्छा नहीं रहता। छोटा पैसेज है उसमें से भी आपके कई क्वेश्चन बना दिए। पाँचवा क्वेश्चन, What is like a narcotic? अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रश्न है What is like a narcotic? Narcotic अर्धजहर, उपविष, नशा की तरह क्या है? अब आप लाइन से लाइन उतारोगे तो आप क्या करोगे, It is like a narcotic, ये तो कहोगे, व्हाट इज लाइक ए नारकोटिक, व्हाट इज लाइक ए नारकोटिक, रीडिंग ए बुक लाइक ए नारकोटिक, क्या लिखोगे आंसर में, रीडिंग ए बुक फॉर अम्यूजमेंट या मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए किसी पुस्तक को पढ़ना is like a narcotic, it is like wine drinking or opium smoking। last आपका question और यहां लिखा देता हूं, वो क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी का होगा, वही महत्वपूर्ण है, हालांकि सारी चीजें महत्वपूर्ण है जो आप पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर छह में फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, नंबर एक, चलिए सरल दे देता हूं, एंटरटेनमेंट, सरल है मिल जाएगा, दूसरा भी सरल दूंगा, ओनली, तीसरा, तीसरा ड्रग, लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाक से, याद है ये सरल है, अभी बता के आया था मैं, फटाक से लिखिए कमेंट बॉक्स में, देख लेता हूं मैं, बच्चे लिखते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो, और आप कमेंट में लिख देते हो तो अच्छा लगता है कि आप सीरियसली पढ़ रहे हो, है ना, तो आप इसका आंसर लिखा, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जानते हैं, अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं,
वो इंटेलिजेंट बच्चे हो, वो भी इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है जो नहीं कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, वो भी अच्छे बच्चे हैं, वो तो हैं ही। दो प्रकार के बच्चे होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी होते हैं वो जानते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते, और बहिर्मुखी बच्चे होते हैं वो व्यक्त जल्दी कर देते हैं, है ना, अंदर सोचते कम हैं, फटाक से बोल देते हैं। आपने क्लास में भी देखा होगा, अपनी क्लास में भी बहुत बच्चे होते हैं शांत बैठ रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, अध्यापक पूछ रहा है किसी ने नहीं बता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जानते हैं लेकिन नहीं, हाथ ऊपर करते हैं कि सब मैं जानता हूँ, नहीं कहते हैं, वो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं। तो आंसर देखिए बच्चों, पहला आंसर एंटरटेनमेंट का तो हो जाएगा आपको अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट। दूसरा ओनली दिया गया है मेयर, सरल है। और तीसरा ड्रग, ड्रग का इसमें दिया गया नारकोटिक, NARCOTIC, नारकोटिक। ये आपके यहां तीन स्पेलिंग कंप्लीट है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, ये आपको दोनों पैसेज समझ में आए। एक पैसेज मैंने आपको लिया था कहानी टाइप, एक पैसेज आपको लिया था मैंने किसी थीम पर। अब आप चाहते हो कि सर एक पैसेज और करा दो तो कमेंट में लिख देना, अन्यथा मैं दो ही पैसेज कराऊंगा इसमें, अनसीन पैसेज में। और आने वाले जो क्या कहते हैं आपके नेक्स्ट पैसेज आता है नोट मेकिंग और समरी वाला, उसमें भी आपको दो तीन पैसेज करवा दिए जाएंगे। आप एक पैसेज और करना चाहते हो कल इसी तरीके से, तो आप इसी क्लास में कमेंट में डाल देना एक पैसेज और, वन मोर, बस इतना लिख देना वन मोर, नहीं तो केवल लिख देना नो, नो या वन मोर, क्योंकि ये केवल प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। नियम समझा चुका हूं, ये चीज समझा चुका हूं, केवल और केवल ये प्रैक्टिस है। ठीक है बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं थोड़ा सट जाता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं बच्चों, नमस्कार।